नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्ध रिपोर्ट के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। कई बार आपसे ऐसा काम हो जाता है या जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है जबकि हम अच्छा भी काम करते हैं तो हमें उसका सम्मान नहीं मिलता है। कई बार हमसे कोई ऐसी गलती हो गई होती है जिसके कारण बाद में हम सम्मान प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं, यानी लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है और हम एक बहुत ही बेकार स्थिति में जीने लगते हैं। ये स्थिति होती है और स्थिति तभी होती है जबकि हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो, चाहे वो ग्रहों की स्थिति रही हो, चाहे वो कोई अन्य कारण रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हमारे सम्मान को हमसे छीन लेता है और तब जो जिंदगी जीनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा तकलीफदेह होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मान सम्मान पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, कौन से उपाय आप करके अपने आप को वापस से मजबूती के स्तर तक ले जा सकते हैं, कौन सी स्थितियां हैं जो आपको फिर से सौभाग्य दिला सकती हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपके साथ ऐसी परेशानी है या आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बिना किसी दिक्कत के जिंदगी बिताने, सुख सुविधाओं को पाने का भी अवसर प्राप्त हो जाए और बिना किसी गलती के जो सजा भुगतनी पड़ रही है वो सजा भुगतना बंद हो। तो चलते हैं सीधे उपाय की तरफ। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कहते, बस इतने पर ही बाकी हम सीधे उपाय करेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहली जो बात है, मैंने आपको बताया कि माता लक्ष्मी अगर आपके साथ हैं तो मान सम्मान में कभी भी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वैभव लक्ष्मी सभी प्रकार की समस्याओं को हरने वाली और प्रत्येक व्यक्ति को जो भी उनकी पूजा करता है मन से, जो भी अपने आप को समर्पित करता है उनको, तो उन्हें जरूर लाभ मिलता है और जरूर वो मान सम्मान प्राप्त करते हैं। इसके लिए उनको जो भी उपाय पूजा पाठ करना है तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे और उपाय करें, वो जरूर उनका सफल हो जाएगा। इसके अलावा गुरु ग्रह, जो कि गुरु का मतलब ये है कि वो इतना बड़ा है कि बाकी लोगों के सामने जब भी वो पहुंचेगा तो लोग उसका सम्मान तो करेंगे ही। तो गुरु का दो अर्थ है यहाँ पर, एक तो बड़ा होना तो अपने आप प्रभावशाली हो जाता है, दूसरा ज्ञान। तो अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाते हैं लगातार तो आप सम्मान के हकदार तो स्वयं ही हो जाएंगे। और दूसरा तरीका है कि आप खुद को बड़ा करें, तो बड़ा करने का दृष्टिकोण हमेशा आर्थिक स्थिति होती है, जबकि आप कैसे वो बड़ा कर सकते हैं वो आपको पता है, उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। फिलहाल तो अगर आप यश और सफलता प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिससे कि आप गुरु ग्रह दोष शांत कर सकते हैं। वो क्या है, ये उपाय नहाते समय करना चाहिए। प्रत्येक दिन जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो अपनी बाल्टी में या जिसमें भी आप नहाते हैं, बाल्टी में या टब में, जहाँ पर भी पानी आप स्टोर करके, मैं शावर से नहाने के लिए यहाँ पर मना करना चाहूँगा। पहले तो आप शावर आपको नहीं लेना है, आपको किसी बर्तन में पानी भर के फिर उसी से नहाना है। तो क्या करें, उसमें या तो थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, या सोने की कोई वस्तु जैसे मान लीजिए अंगूठी है तो आप अंगूठी उसमें डाल दें, या फिर थोड़ी सी हल्दी या शहद या शक्कर या नमक या मुलेठी या कोई पीला फूल या फिर सरसों पीली वाली आप उसमें डालें और डाल करके आप स्नान करें। अगर आप ऐसा रोज करने लग जाएंगे तो गुरु ग्रह जो है आपका शांत हो जाएगा और आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होने लग जाएगी। समाज में अगर उचित सम्मान नहीं मिल रहा है तो रात के समय भी आप एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर और उसके साथ ही कोई सोने या चांदी का सिक्का या अंगूठी जो भी है उसको रख लेना चाहिए और सुबह उठकर भगवान को याद करते हुए सबसे पहले बिना कुल्ला के उस जल को पी लें। ऐसा करने से बहुत जल्दी ही आपका यश बढ़ेगा और समाज में, परिवार में, सभी जगहों पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रात को सोते समय एक और उपाय कर सकते हैं जिसमें आपको पलंग के नीचे या बेड के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख लेना है और सुबह वही पानी घर के बाहर डाल देना है। इससे घर में जो भी रोग हैं, वाद विवाद है, बेइज्जती है या फिर किसी प्रकार का आपके ऊपर दोषारोपण होता है जो कि फिजूल है, फालतू है, तो उन सब चीज़ों से बचाव होने लगता है। परिवार में कोई व्यक्ति यदि लगातार बीमार रह रहा है तो उसको भी लाभ मिलता है, ठीक होने लगता है। एक अन्य उपाय है जो कि दुर्गा सप्तशती के द्वादश यानी 12वें अध्याय से संबंधित है, तो इस 12वें अध्याय को अगर नियमित आप पाठ करते हैं तब भी समाज में
और अपने परिवार में मान सम्मान मिलता है। जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं उससे आपको भी प्रेम प्राप्त होता है। समाज में मान सम्मान के लिए लोग बहुत तरह के उपाय अपनाते हैं, जिसमें कि कबूतर और चिड़ियों को चावल बाजरा मिला करके खिलाने का भी एक रिवाज है। यह आप समझ लीजिए कि बाजरा शुक्रवार को खरीदना है और शनिवार के दिन से उसको खिलाना शुरू करना है। खिलाने के लिए आप पार्क में भी जा सकते हैं, अपने घर में भी छत पर डाल सकते हैं। छत पर डालने में कोई दोष नहीं है। कुछ लोग बताते हैं छत पर नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा करने से गरीबी आती है, लेकिन वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा अगर आप अपने छत पर डालते हो तो उसको आती हैं चिड़िया खाने के लिए, जैसे कि कबूतर और दूसरी चिड़िया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य जब जो भी आप करें उसके लिए लोग आपको बहुत सारा क्रेडिट दें या हमेशा उसका गुणगान होता रहे, तो फिर आपको रात को सोने से पहले सिरहाने से तांबे के बर्तन में जल भर के रखना चाहिए और सुबह सुबह इस जल को अपने ऊपर से 7 बार उसारना है और उसके बाद किसी कांटे वाले पेड़ की जड़ में डाल देना है। जैसे कि कोई बबूल का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, तो आप इसकी जड़ में इसको डाल दें। ऐसा 40 दिन तक नियमित करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा और आपकी समस्या दूर होगी। ज्येष्ठा एक नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जामुन के वृक्ष की जड़ लाना है और इसे अपने पास संभाल कर रखें। उस व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ेगा और उस व्यक्ति का मान सम्मान प्रशासन में भी उसका जुड़ाव हो जाता है, वहाँ से भी उसको सम्मान प्राप्त होता है। गले, हाथ या पैर में काला डोरा पहनने से भी समाज में सरलता से सम्मान की प्राप्ति होती है। और अगर आपके काम बार बार बिगड़ रहे हैं या कहीं किसी के पीछे पीछे आपको दौड़ना पड़ता है काम कराने के लिए, तो ये कार्य भी आपका आसानी से होने लग जाएगा, किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर जाइए, रविवार के दिन 5 बादाम वहाँ चढ़ाइए और ऐसा आपको लगातार 5 रविवार को करना है। तो अगर आपका नाम खराब हो चुका होगा पूरी तरह से भी, तब भी ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और फिर से समाज में आपका सम्मान बनने लगेगा। तो जिनके भी साथ ये स्थिति है, प्लीज़ आप करें इसको, क्योंकि ये बहुत ही सरल भी है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अपने घर में रविवार के दिन नमक का प्रयोग न करें, अगर करना है तो सेंधा नमक का प्रयोग करें और मीठा भोजन ग्रहण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है और साथ ही मान सम्मान भी आपका बढ़ता है। आप अपने घर के दक्षिण के हिस्से में बहुत सारे फूल के गमले लगा दीजिए। फूल अगर लाल रंग के रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस प्रयोग से घर में हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य तो बढ़ेगा ही, साथ में आपके घर में यश और प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, उसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। इस पर भी ध्यान दें। एक सफ़ेद रंग का रुमाल लीजिए, कुछ मात्रा में उसमें कोयला रख दीजिए और इसे किसी सुनसान स्थान पर रख कर भगवान गणेश से कलंक से मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए। ये उपाय आपके यश में कमी को दूर कर देगा। एक अन्य उपाय जो आप कर सकते हैं प्रतिदिन, वो है सुबह सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो अपना चेहरा आईने में न देखें। और क्या करना है, सबसे पहले उठते ही कि आप अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को अपनी अपने चेहरे के सामने रखें और उसमें देखते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हों या उनको दूर करने के सरल रास्ते प्राप्त हों। और मंत्र पढ़ें आप, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यह अगर आप पढ़ते हैं तो एक तो सुबह सुबह प्रभु का नाम भी हो गया, दूसरे कि आपने प्रार्थना जो की है उसमें आप अपने कल्याण के साथ साथ अपने परिवार का भी कल्याण चाहते हैं। सुबह सुबह जब आप ऐसी बात बोलेंगे तो कल्याण अपने आप होने लगता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, उपाय भी आपको अच्छे लगे होंगे। उपाय समझ लीजिएगा, समझ करके एक बार में नहीं क्लियर हो तो आपको बार बार वीडियो देखना चाहिए ताकि अच्छे से समझ जाएँ और फिर आप उपाय करें, ताकि आपको उपाय करने में सफलता प्राप्त हो। कई बार मैं देखता हूँ कि सामग्री को लेकर के ही आप कन्फ्यूज होते हैं कितना लेना है, तो वो स्थिति पैदा ना हो इसके लिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।